नमस्कार, 3N नेशनल न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं विकास कुमार। और हमारे पीछे बन रहे यह आलीशान कारखाना या आलीशान भवन, यह देखने से तो इतना जरूर समझ में आता है कि वैशाली जिला के विकास में ये बहुत बड़ा आने वाले समय में योगदान निभाने वाला है। लेकिन विकास के योगदान निभाने से पहले यह कारखाना या भवन विनाश में योगदान निभाने लगा, और विनाश खास करके उन लोगों का जो गरीब कुरवे किसान लोग है। और पूरी जानकारी यदि बताया जाए और जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने जिस प्रकार से सूचना दिया, यह कौन से कंपनी का बन रहा है, फ्लिपकार्ट और ये श्री राम कंस्ट्रक्शन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े कंपनी का या कोई कार्यालय या किसी प्रकार का कारखाना, वो अंदर जाने के बाद पता चलेगा। लेकिन बन रहा है, लेकिन समस्या यह है कि बनने से पहले जिस जमीन पे बन रहा है, यह जमीन आम किसान आम गरीबों का है, जिस पे बनाने से पहले ना तो इन लोगों को सूचना दिया गया और ना ही इन लोगों को नोटिस किया गया। और मुआवजा तो खैर दूर की बात है। हम अंदर चलेंगे, स्थिति क्या है अंदर के लोगों से हम बाद में जानेंगे। पहले आखिर पूरा मामला क्या है, यहाँ के जो इसके भुक्तभोगी है, इसके जो पीड़ित है, उनसे हम सुन लेते हैं। आप लोग भैया सब इसके पीड़ित है। क्या नाम है आपका ये बताइए? अर्जुन कुमार। अर्जुन जी, क्या मामला है पूरी आप लोग बताइए। मामला है कि मेरा कंपनी के अंदर में 1 बीघा जमीन पड़ता है, बिना मुआवजा बिना नोटिस के मेरे जमीन में प्लांट खड़ा कर चुका है। अच्छा। जब हम कहने जाते हैं तो इसका जो भी अथी गार्ड उड है वो हमारा उस दिन दिखा रहा था कि देखिए अर्जुन जी, मेरे कमर में 1 पिस्टल है लेकिन 150 दाना है, कोई कुछ बिगाड़ लेगा। अच्छा, इसके गार्ड साहब कहते हैं? गार्ड साहब जो कथी नाम है उसका अभिनव या कुछ है। हम गए थे अपना जमीन देखने। अच्छा। कि एक ठो में बना लिया दूसरा में भी बना लेगा। अच्छा। पैसा दिया नहीं, कुछ किया नहीं, तो गए तो हमको 150 गोली दिखा रहा था, पिस्टल है कि कट्टा है हम नहीं जानते। ये जमीन आपके जमीन पे कारखाना बनाने से पहले कोई सूचना आपको नहीं दिया गया? कोई सूचना नहीं सरकार के तरफ से, न जिला प्रशासन किसी के तरफ से हमको कोई न नोटिस मिला न कोई सूचना मिला। जब यहाँ आते हैं तो श्री राम का मालिक जो है राजीव रंजन बोलते हैं कि ठीक है हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। जब हम इधर सोचे कि बात होगा, बात परसों तरसों 25 तारीख से पहले हम सुने कि कंपनी का अथी हैंड ओवर किया है फ्लिपकार्ट को, तो हम देखे कि अब तो फ्लिपकार्ट से हमको लड़ना पड़ेगा, तो हम कहे ना पहले ही आवेदन देते हैं जिला अधिकारी को। इसके लिए आपने सूचना कहाँ कहाँ दिया है? हम चलिए इस काम के लिए, इस घटना को लेकर के सूचना भी पड़ चुकी है सेवा में जिला अधिकारी, जिला पदाधिकारी हाजीपुर वैशाली। पूरी मामला है, इस मामले की जानकारी दी गई है और इन्होंने कहा है मेरे ज़मीन पर, जो कि अपना खाता नंबर खेसा नंबर बताया है, जिसमें श्री राम ग्रुप और फ्लिपकार्ट दोनों साक्ष रूप से बिना रजिस्ट्री जमीन पर अपना कार्य करवा रही है, यही सर। और जब मैं अपने फ्लैट पर जाता हूँ तो श्री राम के सदस्य लोग हथियार के से लैस रहते हैं। अरे भैया, इतने बड़े लोग हैं तो हथियार तो होगा ना उनके पास, और जबरन धक्का मुक्का कर और मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। ये इन्होंने दिया है कितने देर को, 25/8 को दिया है, कुछ दिन पहले आपने दिया है ना? हाँ। इस पे तो कुछ कार्रवाई हुई है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। और किनका किनका जमीन है? आपका भी इसमें जमीन है? हाँ, मेरा भी जमीन है इसमें। क्या जमीन, क्या मेरे भाई के नाम पे जमीन था, वो किसी और से लिखवा लिया, उसका फोटो गवाह दोनों का, खाता 11/54 है। खाता आपका कितना है देखना लीजिए, मेरा तो खाता संख्या 106/5 और खेसरा 3678। चलिए, और मतलब इसी में कितना जमीन है आपका इसमें? मेरा तो कम से कम 3 बीघा जमीन है। कोई मुआवजा उजा मिला? कुछ नहीं मिला है, मिल जुगली वाला जमीन पड़ता है तो मिला है, लेकिन मेरा खास जमीन का नहीं मिला है। इसका मुआवजा उजा मिला है? कुछ नोट वोट मिला है इसका? नहीं, कुछ नहीं। ड्राइवर रजिस्ट्री कर दिया इनका जमीन, जो ड्राइवर है। मैं पूर्व मुखिया चंद्रेश्वर राय बोल रहा हूँ। अच्छा, इसी पंचायत की? पंचायत। अच्छा, पहेतिया पंचायत की। चलिए एक मिनट, पहेतिया पंचायत, ये घटना पहेतिया का ही है सर? पहेतिया पंचायत के पूर्व मुखिया जो है वो भी यहाँ पे है, और इस घटना के बारे में क्या जानकारी है सर, पहले ये बताइए। घटना के बारे में पूरी जानकारी है। क्या जानकारी हुआ बताइए? हम लोग उनको, राजीव कंस्ट्रक्शन जो है अपना श्री राम ग्रुप का जी, उनको बहुत मानते थे, लेकिन एक नंबर धूर्तबाज 420 आदमी है वो। अच्छा। मैं उसका कागज बहुत जल्दी पेश कर रहा हूँ जी, बहुत जल्दी हवालात उनको जाना होगा। बोलता है जब SP मैनेज किए हुए है, थाना मैनेज किए हुआ, स्टार मैनेज किए हुए है, मतलब वो थाना SP DM सबको मैनेज कर रहा है। DM नहीं, SP
डीएम तो उसको बाप से मैनेज नहीं होगा, एसपी कहता है जब मैनेज किया, कहता है थाना प्रभारी। अच्छा। और बोलता है DCLR। अच्छा। 54 नंबर खाता का जमीन जब पहचान बना दिया, इसका फोटो लगा ही नहीं, तो फिर रजिस्ट्री कैसे हो गया, इकरार कैसे हो गया, इसका भाई जमीन लिखा ही नहीं। अच्छा। तो तीसरा बूढ़ा आदमी का फोटो लग कैसे गया? 420 का ये घर चल रहा है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उनको बहुत मदद। अच्छा, आपके पंचायत के लगभग कितने लोग इससे प्रभावित है? अर्जुन हो गया, महेश्वर हो गया, कितने लोग? 25 से 50 आदमी का जाली रजिस्ट्री करा के वो अपना काम कर रहा है। कितने जमीन पे इन लोगों का कब्जा है? कब्जा तो लगभग 27 एकड़ या 35 एकड़ लिया है, लेकिन ये लोग का हकीकत जमीन अभी बचा हुआ है 2 से 3 एकड़, जो रजिस्ट्री नहीं हुआ और कब्जा कर लिया है। 2 से 3 एकड़ में ये लोग कब्जा कर लिए। हाँ, इनका 54 नंबर जमीन का 32 लाख कीमत लगाया, जो फॉल्स रजिस्ट्री करा लिया। किसी को भी मुआवजा नहीं मिला है? मिलने वाला को जो मिला होगा, लेकिन जो सामने है अमोजी आप बोलिए उसको मिला है। हाँ, अमोजी का हम लोग को तो भाई कमाने खाने के लिए जमीन। चलिए हम आगे की ओर कंपनी को बढ़ते चलेंगे और बात करते चलेंगे, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई बड़ी अधिकारी, कोई पदाधिकारी मिलेंगे। तो सामने से आइए, इधर से आप, और हम जो है कि बात करते चलेंगे। और लोग जो है कि हम कंपनी के आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और किनका जमीन था भाई? आइए भैया, इधर आइए, हम इनसे बात करते हुए कंपनी की ओर बढ़ेंगे। और हाँ, तो आपका कितना जमीन? मेरा 9 कट्ठा इसमें जमीन है, और 9 कट्ठा जमीन है। 9 कट्ठा जमीन का आज 1 साल से लोग मिट्टी भर के रखे हुए हैं, काम कर रहे हैं, ना हमसे बात किए हैं, ना कुछ किए हैं। और यहाँ आने पर दबंगज दिखाते, एक दिन हम चाचा भतीजा आए थे तो इनका बॉडी गार्ड जो है अभिनव, वो हमको दिखाया जो अभी इसमें 15 गो है, और 150 राउंड हम अपने कमर में रखे हुए हैं। तो वो हमको गोली मारने गया। मेरे गांव का एक रमेश राय है, वो भी वहां साथ गए थे। जब गोली वाला बात बोला तो रमेश राय भी सुने कि हाँ 150 राउंड गोली लेके ही घूम रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक में पहले गार्ड काउंटर, यहाँ पे कोई सारे अथॉरिटी है क्या आगे, मतलब कोई सीनियर मैन अथॉरिटी है अंदर? कंपनी का गार्ड है। अच्छा, चलिए आगे है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। फिलहाल बात यहाँ तो और क्या, आने के बाद ये लोग कोई रिस्पेक्ट नहीं, बोलता है काम हो जाएगा। कभी हमको चोर में जमीन दिखा रहा है, कभी मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर जमीन दिखा रहा है। अच्छा। वहाँ जमीन ले लो, यहाँ जमीन ले लो, हम लोग से कोई बात नहीं करता। 1 साल से मेरा जमीन को कब्जा करके ही रखा है, पूरा घेर दिया है अंदर। कभी कभी आते हैं यहाँ पर? यहाँ आते हैं तो इसका आदमी लोग जाने नहीं देता है। एक दिन हम चाचा भतीजा आए थे, उसी दिन हमको गोली दिखा रहा था, बोलू 150 दाना लेते हैं। गोली दिखा देते हैं? हाँ, उसका बॉडी गार्ड दिखाया है जिसमें गवाही हम चाचा भतीजा। रहा है कि 150 दाना मेरे पास है, कोई कुछ बिगाड़ लेगा? इतना मोटा पिलर को बोलता शासन प्रशासन के कोई, इतना मोटा पिलर को बोलता है हम फाड़ देंगे। और भैया आपका आपका है, कितना जमीन आपका है इसमें? मोटा मोटी अभी 3.5 कट्ठा है, और 6 डिसमिल मैंने बिक्री की है। तो 6 डिसमिल आप बेच रहे थे हम जमीन? अच्छा। तो गांव का जो दलाल लोग है ना जी, हम जमीन देने के लिए एग्री नहीं थे। अच्छा। तो गांव का दलाल लोग है, मेरा बच्चा और पत्नी का। कौन दलाल, कौन बता दीजिए? सुधीर राय। सुधीर राय कौन है? मास्टर है बिरला स्कूल में। कौन कोई स्कूल? बिरला मिडिल स्कूल में। क्या पहतिया पंचायत में? पहतिया पंचायत में। अच्छा, वो आपको दिलवा दिया पैसा? तो हम जब उसको अकाउंट अपना नहीं दिए ना। अच्छा। तो मेरा बच्चा का जो अकाउंट था स्कूल वाला। अच्छा। पत्नी के साथ में ज्वाइंट अकाउंट। अच्छा। उसमें 7,44,000 रुपया भेजवा दिया। अच्छा। और जबरदस्ती से हम बोले जो पैसा रिटर्न कर देंगे। अच्छा। तो बोलता है नहीं, तुमको जमीन हर हाल में देना पड़ेगा। नहीं गोली नहीं बोला है, वो बोला है उठा करके ले गया था हमको घर से। आपको घर से उठा के लेके चला गया? बॉडीगार्ड लेकर के गया था। अच्छा, उसका बॉडीगार्ड आपको, मतलब बॉडीगार्ड कितना? अच्छा, बॉडीगार्ड खास की पुलिस वाला बॉडीगार्ड है? पुलिस नहीं, स्पेशल बॉडीगार्ड है उसका। प्राइवेट बॉडीगार्ड है, आपको घर से उठा के लेके चला गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बोला जो 9 बजे रात में तुमसे रजिस्ट्री लेंगे राजीव रंजन। अच्छा। न तो तुमको छोड़ेंगे नहीं बोलू। तो आप लोग रजिस्ट्री दिए फिर 9 बजे? नहीं, फिर दूसरा तीसरा दिन मैंने। तो मतलब कि आप 4 कितना डिसमिल बेचे हैं? 6 डिसमिल। 6 डिसमिल, बाकी कितना पे कब्जा है? बाकी है 3.5 कट्ठा जमीन, उसमें कब्जा है। उसका कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। चलिए देखिए, बहुत बढ़िया ये फैक्ट्री बन रहा है, ये कारखाना दिखाइए सूरज, कितनी बड़ी कारखाना बन रहा है। और यदि बिहार के वैशाली में बने तो और भी अच्छी बात है। यहाँ गार्ड साहब है, तनि गार्ड साहब से पूछ लेते हैं कि सीनियर अथॉरिटी इनके कहाँ मिलेगा। उसके बाद जी जी बोला जाए सर। 10 मिनट आप वेट कीजिए, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। नहीं, हम गार्ड साहब से पूछ लेते हैं कितने बजे कौन है या नहीं सीनियर अथॉरिटी। आप ही गार्ड साहब है सर? गार्ड आप है सर? थोड़ा सा सीनियर अथॉरिटी से मिलना है यहाँ पे,
सबसे सीनियर अथॉरिटी कौन सा है जिनसे हम बात कर सकते हैं? मतलब हमें कोई जानकारी यहाँ पे चाहिए, यहाँ आपके यहाँ सबसे सीनियर कौन है जिनसे हम मिलकर बात कर सकते हैं? मतलब किस विभाग से? अब किस विभाग से? हम प्रेस से है सर, पत्रकार है। पत्रकार, वो ठीक है, हम समझेंगे आप पत्रकार है तो हाँ। आप मतलब हम किस विभाग के सीनियर से आपको मिलवाए? आपका जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं कौन कौन से विभाग है यहाँ पर? ऑन स्टॉक हमें, हम नया है, हम उनको पता नहीं। आप कौन है सर, आपका परिचय? सर हम इसमें वर्कर है, काम करते हैं सर। आप 10 मिनट रुकिए सर, लाइव लगा हुआ है, दर्शक देख रहा है, हम कैसे इंतजार करवाए। 10 मिनट बोल रहे हैं रुकने के लिए, और दिखा दीजिए यहाँ पे कितने इतने दिखाइए सो, इतना बड़ा काम कर रहा है लेकिन जवाब देने वाला ना कोई पर्सन नहीं। ये भी सबसे बड़ी विडंबना है, और कितनी बड़ी विडंबना है कि इतना बड़ा फैक्ट्री चल रहा है और यहाँ पे कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं है जिससे हम जवाब मांग सके। यदि अभी सर अच्छा गार्ड साहब, अभी यहाँ कोई घटना हो जाए बड़ा, तब उसको कौन निपटेगा? हो सर इधर आइए, अभी तो इधर आइए, एक मिनट। अच्छा जी, क्या कर आइए ना, कंप्लेन लेकर आइए। देखिए ग्रामीणों का ही बहुत कंप्लेन है जी, क्या दिक्कत है? हम लोग जब अंदर आते हैं कंपनी में काम करने के लिए, रोहित को हो या रोहित प्रेम का हो जी, फिर भी लोग कहता है कि किसका आदमी है, एंट्री करके जाओ। अच्छा। चाहे तो प्रेम को बुलवाओ या रोहित को बुलवाओ, यहाँ एंट्री करके अंदर। हेलो नहीं सर, हम तो पर्सनल प्रॉपर्टी है तो लोगों का भी तो सर पर्सनल प्रॉपर्टी है ना सर। नहीं तो सर, तो सर हमें जवाब कौन देगा सर? हम प्रॉपर्टी के अंदर, आपके प्रॉपर्टी के अंदर आने के लिए ही के तो हम आपसे परमिशन ले रहे हैं। हाँ तो आप अंदर कैसे घुस रहे हैं? आप अंदर घुस के शूट मत कीजिए, आप रोड में खड़ा होकर शूट कीजिए ना। नहीं तो अंदर घुस के शूट नहीं तो हमें तो सर हमें हम तो जवाब सर अभी कैमरा बंद कीजिए, मैं आ रहा हूँ साइड पे 5 मिनट में। नहीं सर लाइव है और लोग देख रहे हैं तो हम आपके इंतजार कर रहे हैं, हम आपके बाहर ही वेट करते हैं, आपसे हम बाहर ही बात कर लेंगे सर। तो बाहर वेट कीजिए, लाइव को बंद कीजिए। नहीं लाइव तो चालू रहेगा सर, नहीं लाइव तो सर चालू रहेगा सर। आप मेरे प्रॉपर्टी के अंदर अगर घुस रहे हैं तो मैं केस करूंगा। बिल्कुल सर केस कर सकते हैं सर, बिल्कुल आप केस कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल, हम आपके यहाँ पे खड़े हैं गार्ड साहब के रूम। आप रोड पे खड़े होकर कीजिए ना, आप प्रॉपर्टी सर आपके गार्ड साहब के हम रूम के पास खड़े हैं, और यदि आपको लगता है हमने गलत किया है तो आप बेशक जाकर केस कर दीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर 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 रिक्वेस्ट, हम अंदर का, हम तो अभी गार्ड साहब से परमिशन ले रहे हैं ना, और हमारी आप आपकी हमारी बात जो रही वो भी सर लाइव जनता सुन रहे हैं सर। कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसी तो हम तो ऐसा कुछ जो भी कर रहे हैं लाइव कर रहे हैं, और हमने तो आपके प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं पहुंचाया है। नहीं तो सर आपका लाइव बंद कर दीजिए सर, हम लाइव कैसे बंद कर दें आप ही बताइए ना। नहीं तो हमें सर सर कुछ सवाल है तो जवाब, हम मीडिया है तो सर कुछ सवाल आएंगे ना सर, तो जवाब किससे मांगे हम? प्रॉपर्टी की बात करते हैं सर, आप प्रॉपर्टी की दावा करते हैं तो यहाँ तो सर यहाँ इतने दर्जनों लोग दावा कर रहे हैं ना सर। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी से हमें क्या मतलब है, लेकिन जो कह रहे हैं हमारा प्रॉपर्टी है, जिन्होंने यहाँ सैकड़ों लोग जो ग्रामीण लेकर आए हैं। मैं आके आपसे बात करता हूँ। हम ठीक है, हम लाइव पे है और हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए हम लाइव बने हुए हैं आपके बीच, और फिलहाल हम लोगों से बात करते हैं। और सीधे तौर पे मैं एक बात भैया आप तमाम जो दर्शक है वही बता देता हूँ कि हम पे केस करने की धमकी दिया गया है, कि हम पे वो केस करेंगे, उनका हम ये खबर दिखाएंगे। कोई बात नहीं, जब गोली खा सकते हैं, जब हमला हो सकती है, तो इन लोगों को अधिकार दिलाने के लिए आज ये फ्लिपकार्ट और कौन कंपनी बताएं, श्रीराम कंस्ट्रक्शन का एक केस आज पत्रकार विकास कुमार खाने को फिर तैयार है। आज एक बार फिर हम तैयार है कि इन जो गरीब जो गुरबे हैं इनकी आवाज़ उठाने के लिए एक FIR आज फिर हम पे हो। और किनका किनका ज़मीन है भैया? वो बोले हैं 5 मिनट, और 5 मिनट हम लाइव एकदम बने रहेंगे कैमरा के सामने, कैमरा बंद नहीं होगी, और वहीं पे हम वेट करेंगे। आइए, और क्या समस्या है बताइए, किनका किनका ज़मीन है बताइए भाई? आपका भी बताइए, कितना ज़मीन है, क्या नाम है? आनंद कुमार। 1 बीघा है जी? अच्छा 1 बीघा, मतलब कि तो ऐसे कब्जा कर लिए या कुछ उसमें से बेचबो किए हैं? पूरा कब्जा किए हुए सर हमारा लोग का, पूरे जमीन बाउंड्री मार के घेर के माटी बालू सब गिरा के पिलर खड़ा कर जमीन में खड़ा हुआ है। अच्छा उसका है मेरे जमीन में पिलर खड़ा सब सर कर खड़ा कर चुका है। अच्छा हम लोग कितना बार आए तो कहा कि हो जाएगा नहीं। अच्छा थोड़ा सा इधर से सूरज दिखा दीजिए कि ये जो है कि बन रहा है,
और इधर लंबा जमीन है, बाउंड्री मारा हुआ है इधर। और हालांकि नहीं भाई, हमें अंदर जाने पे आप लोग सबने सुना कैमरा पे, हमने लाइव चलाया कि धमकी दिया गया है हमें, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को हड़प सकते हैं, लेकिन हम उसे दिखा नहीं सकते हैं, विडम्बना है बिहार की। और यही पूरा है, दिखा दीजिए सूरज दूर से ही बाउंड्री दिखा दीजिए यहाँ पर कि कितना दूर तक बाउंड्री मारा गया है। और इसी बाउंड्री के अंतर्गत जो है कि इन लोगों का जमीन है, इन लोगों का घर है। फिलहाल यहाँ पे सीनियर अथॉरिटी नहीं है और इंतजार करने के लिए बोला गया है सीनियर अथॉरिटी की तरफ से, तो हम थोड़ा सा बाहर इंतजार करेंगे। आइए भैया, किनका जमीन है, आप हमसे बात कीजिए। और कहाँ गए भैया जो बात कर रहे थे, आपका भी जमीन है? हाँ भैया, हमारा। कितना जमीन है? 10 कट्ठा जमीन। 10 कट्ठा जमीन है, जिसमें 1 कट्ठा हमारे चचा से बर्जोरी लिखवा लिए। अच्छा चलिए, उसका तो पैसा मिल गया होगा। नहीं, हमारा जमीन दूसरे आदमी से लिखवा लिए हैं। मतलब कि 10 कट्ठा आपका यहाँ अतिक्रमण में है? हाँ, मगर हमारा जमीन 1 कट्ठा चचा से लिखवा लिए हैं। जब हम प्लॉट पर आते हैं तो कहते हैं जो गाड़ी घोड़ा फूंक देंगे और तुमको गोली मार देंगे। कौन कहते हैं? उनका आदमी कहता है, फंसा देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अच्छा, मतलब कौन के आदमी? राजीव रंजन के आदमी। राजीव रंजन कौन है? राजीव रंजन श्री राम कंस्ट्रक्शन के मालिक है। अच्छा, तो उनका आदमी आते हैं, उनके गार्ड आते हैं? हाँ, सब धमकी देता है जो तुम आएगा प्लॉट पर तो तुमको फंसा देंगे, ऐसे करेंगे, गाड़ी घोड़ा हम अपना फूंक देंगे और तुमको फंसा देंगे। अच्छा, प्लॉट पर डिस्टर्ब करने नहीं आए। मतलब कि आपको इसमें से 10 कुछ मुआवजा मिला या नहीं? कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं। तो मतलब कि जब आप लोग जमीन पे आते हैं तो क्या कहा जाता है? जमीन को तो आपको गया ही, मना करना रहता है। यहाँ के लोकल शासन प्रशासन जो लोग है उनसे आपने मदद ली कभी? नहीं, अभी तक नहीं किए हैं। मतलब कभी कोई सरकारी थानों न गए हैं कभी इस मामले में? चचा गए हैं। अच्छा, मदद मिला कुछ? मदद अभी तक तो कुछ नहीं मिला। मदद कुछ नहीं मिला है। ये और किन का जमीन है? हम लगातार कई लोगों का जमीन है और कई लोगों का जमीन है। किन का? आपका भी जमीन है? भी है। कितना जमीन है आपका? अभी इसमें 6 डिसमिल बिक्री कर दिए हैं। और सिक्योरिटी गेट के बाहर जाके बात आप कीजिए, जो कर रहे हैं आप सिक्योरिटी गेट के बाहर जाके। आप लोग करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। आप अपने सर, आपका परिचय सर जो भी है आप अपने ड्यूटी कीजिए। आप सर कुछ सवाल है सर, सवाल जो भी सवाल है सब सिक्योरिटी गेट के बाहर। आपका परिचय, आप कौन? आप पर्सनल प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकते। आप कौन है सर? ये अधिकार देना आप कौन है सर? ये कौन है अधिकार देना सर? ये कौन है? कौन है? मैं सिक्योरिटी भेजता हूँ। चलिए कोई, चलिए देखिए ये अपने, ये लोग कौन है मीडिया को जो बोल रहे हैं अंदर नहीं जाने के लिए, और ये अपना परिचय भी नहीं दिए कि क्या कुछ अपना प्रॉपर्टी पर जा सकते हैं। नहीं नहीं, जब ये लोग कौन है आप लोग पहचानते हैं? आप लोग ये जो व्यक्ति अभी आए उनको आप लोग पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं, कोई नहीं पहचानता। इसी आदमी का गुंडा है, राजीव रंजन का गुंडा है। अच्छा, तभी तो नाम बताने से पीछे हटता है। तो आखिर देखिए क्या दिक्कत है उनसे हम पूछ लेते हैं, और आखिर क्या उनकी समस्या है देखने में, और क्या आखिर बात में। और लाइव हम इसीलिए जुड़े हैं कि क्या कुछ मामला है, और लाइव पहुंचाने का तस्वीर है, यही मकसद होता है कि देखिए किस प्रकार से जो है कि अपने ये बल का पावर का प्रयोग करते हुए ये अंदर जाने से प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि कह रहे हैं क्या आदेश है सर? क्या बोल रहे हैं सर? जी सर, आपका परिचय, आपका आप जाइए, आप लीगल रूम के, आपका धक्का मत दीजिए, धक्का मत दीजिए सर। है, रुके 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 सर 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 सर, कुछ सवाल है इन लोगों का सर सर, कुछ सवाल है सर, एक दो सवाल है सर, कुछ सवाल है सर सर, कुछ सवाल है सर, एक दो सवाल सर। जी बोला जी, जी बोला जाए, सुनिए सुनिए, बंद कीजिए इसको, पहले बात कीजिए। काहे बंद करेंगे आप बता सकते हैं? अस्थिर और बोलिए, काहे बंद करेंगे अस्थिर और ढोल से क्या बात कर रहे हैं? चुपचाप कीजिए ना, तो फेंक देंगे तोड़ के। जी ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए रमेश जी, मीडिया पर ऐसा नहीं कीजिए। लाइव दिखा रहे हैं और देखिए लाइव में किस प्रकार से यहाँ पे रंगबाजी की जा रही है, और लाइव तस्वीर दिखाने का यही मकसद है कि किस प्रकार से देखिए क्या कुछ यहाँ पे स्थिति है, क्या आप लोग देखें किस प्रकार से जबरदस्ती किया जा रहा है। हड़प लिया है और जमीन पर जाने से रोकता है श्री राम ग्रुप का जो दलाल है, गुंडा सब है जो रोक रहा है हमें जमीन पर अंदर नहीं जाने दिया, सब लोग रोक रहे हैं। नाम बताइए, नाम बताइए। चलिए हम अपना प्लॉट पर जा सकते हैं ना जी? क्या देखिए हम लाइव बने हुए हैं, क्या कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं।
जी सर, आप लोग जा सकते हैं। पत्रकार है, जी पत्रकार महोदय है, जी सर, ये पत्रकार महोदय जो है ये प्रॉपर्टी के अंदर जबरदस्ती घुस रहे हैं, मना बिल्कुल ही, क्योंकि यहाँ पे अधिग्रहण किया गया है, यहाँ पे सैकड़ों लोगों का, आज जितने लोग हैं यहाँ पे सारे लोग आवेदक हैं। आप बताइए क्यों, आप बताइए क्या आप लोग लेकर आए हैं? नहीं जनता लेके आए हैं, मेरा पूरा जनता लेकर आया है, देखिए पूरा जनता यहाँ से लेकर के आई है, पूरे ग्रामीण जो है प्रॉपर्टी को यहाँ पे ग्रामीण को सुनाइए, प्रॉपर्टी को जबरदस्ती लेकर के, और यहाँ ग्रामीण की इतनी शिकायत है, ये लोग जबरदस्ती जो है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बाहर चलते हैं, और यहाँ जो स्थिति है आप लोगों को हमने दिखा दिया कि क्या स्थिति है, हम लाइव बने हुए हैं पूरी तस्वीर पे, और किस प्रकार से, और वाकई में कहीं आइए, किनका कहीं जमीन कब्जा में है, आइए थोड़ा बात कीजिए, और आइए किधर हैं जिनका जमीन, देखिए इन लोगों का जो है कि काफ़ी लोगों में ये समस्याएं थी और इन लोगों का समान, लेकिन अफसोस की बात है कोई जवाब देने वाला यहाँ पे नहीं है, मीडिया को रिपोर्टिंग करने का अधिकार नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन सबसे संयोग की बात यह है कि आप देख सकते, क्या भैया क्या आप लोग का भी जमीन अधिग्रहण हुआ है क्या? तो आप देख सकते हैं पूरी जो तस्वीर है यहाँ की, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और लाइव जी है कि इस माध्यम से हम निकल रहे हैं, और क्या कुछ मामला चल रहा है फिर हम देख लेते हैं एक बार, क्या कोई दिक्कत है क्या सर? हम लगातार लाइव बने हुए हैं, चूँकि मामला यहाँ पे जो स्थिति बन रही है लगातार, इस पर आप देख सकते हैं, और लाइव बन करके तस्वीर दिखाना है कि आखिर क्या कुछ मामला हुआ है, क्या कुछ दिक्कत हुआ है, और लाइव तस्वीर बन रही है, आपको हम यहाँ की हर एक गतिविधि दिखाते हैं, क्या दिक्कत है सर? ये रोके का है आपको, जाने नहीं कह देंगे, नहीं चलिए ये खैर, इस मामले को हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे, हम भी तुरंत प्रशासनिक अधिकारी को इस मामले में सूचना देंगे, फोन दीजिए सनी, और इस मामले को प्रशासनिक थाना को तुरंत सूचना दे करके, क्योंकि जो यहाँ पे माहौल है यहाँ पे काफी तानाशाही वाली बनी हुई है, तानातानी बनी हुई है, जो यहाँ की तस्वीर अपने ही संपत्ति पे जाने के लिए इन्हें रोकना पड़ रहा है, अपने ही जगह पे जाने के लिए इन्हें रोकना पड़ रहा है, बशर्ते यहाँ जो इस गांव के पूर्व मुखिया है उन्होंने भी ग्रामीणों का समर्थन किया है, लेकिन स्थिति और जिसे कंपनी बड़े जो पैसे वाले को गुंडागर्दी करते हैं वो आप कह सकते हैं सीधे तौर पर, और सीधे तौर पर दिखाइए सोच किस प्रकार से तस्वीर निकल करके आ रही है, इतना बड़ा जो कैंपेन है, इतना बड़ा ये जो रास्ता और इतना बड़ा जो फैक्ट्री बन रहा है, ये तमाम फैक्ट्री का जो जो मालिक है, जो बना रहे हैं, जो यहाँ का जो बना रहे हैं, जो कंपनी है श्रीराम कंस्ट्रक्शन और अन्य फ्लिपकार्ट, उसके बाद भी यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार से जो है कि लोगों का जब जुटान हुआ, जब वो लोग अपने प्रॉपर्टी पे जाना चाह रहे थे, अपने क्षेत्र पर जाना चाह रहे थे, उसके बावजूद किस प्रकार से रोका टोका गया, गार्ड से पूछा गया, पहले गार्ड जवाब देने के लिए तैयार नहीं, कोई भी पर्सन इस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल है तमाम जो प्रकरण देखने के बाद कि आखिर इन गरीबों का जमीन इतने बड़े बड़े पैसे वालों और इतने बड़े बड़े ये अमीरों के पास आखिर कैसे कब्जा हो जाती है, उससे भी बड़ी सवाल है कि आखिर जिस प्रकार से यहाँ की जनता ने बयान दिया, जिस प्रकार से यहाँ की जनता ने कहा कि लगातार इनके बयान आते हैं कि एसपी से लेकर डीएम तक जो होते हैं मैनेज होते हैं, तो तमाम जो सवालात है कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ती है, और इतनी हाजीपुर के निकट में ये घटना होती है, और बावजूद इसके शासन प्रशासन के कानों पे जू तक नहीं रेंगती है, डीएम तक आवेदन पड़ती है, बावजूद इसके उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था पे बहुत बड़ी सवाल उठा रही है, हम पूरी लाइव आपको दिखाए अंदर से लेकर के बाहर तक, हमने कितना अपने अधिकारियों का प्रवेश किया, और किस प्रकार से जब वो जनता को धमकी, जब मीडिया को धमकी दे सकते हैं कि हम FIR करेंगे, हम उनको जेल भेजवाएंगे, तो बाकी आम जनता के साथ वो क्या करते होंगे यह स्थिति बताने की जरूरत नहीं है, बाकी तमाम खबर के लिए पहुँचा हम आप बने रहिए 3 नेशनल नेटवर्क के साथ, पटना से सहयोगी सूरज के साथ विकास कुमार।